स्वागत है आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल इंडियन इंग्लिश स्कूल फॉर क्या। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आज है आपका 30 नवंबर, ठीक है, आज के आपका 30 नवंबर और आज आपका सेकंड अलॉटमेंट लेटर आने का जो है कि तिथि जो है आज ही है, आपका सेकंड अलॉटमेंट लेटर आने का तिथि आज ही है, यानी आज ही जो है कि आपका जो है सेकंड अलॉटमेंट आएगा। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, कुछ सवाल हैं जो कि आपके मन में उठते हैं, तो मैं उसको क्लियरिफाई करूँगा। जैसे कि जैसे आज आपका है सेकंड अलॉटमेंट लेटर आएगा तो उस हिसाब से लिंक एक्टिव कब होगा और किस किस का सिलेक्शन होगा तो कैसे पता चलेगा, कैसे चेक करना है, और जो सेलेक्ट किए थे यही प्रश्न है, तीन चार प्रश्न है, उसका उत्तर मैं दूंगा। आप लोग सिर्फ वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तब जा करके आपको समझ में आएगा, एस्केप कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा। देखिए, जो सेलेक्ट किए थे उनके लिए क्या है, मतलब जो सेलेक्ट किए थे उनके लिए आवश्यक सूचना क्या सूचना है। जैसे कि जो बच्चे सेलेक्ट किए थे यानी फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर में जिनका नाम आ गया था और वो ये बच्चे सेलेक्ट किए थे, तो सेलेक्ट जो भी बच्चे किए हैं तो उसका तो अभी जो है सेकंड अलॉटमेंट लेटर जो भी है तो उसमें जो नाम आएगा तो उन बच्चों का भी आएगा जो सेलेक्ट किए थे। तो उन बच्चों का अगर नाम नहीं आया बाई चांस, अगर मानिए कि सेकंड अलॉटमेंट लेटर में नाम नहीं आया तो क्या होगा, तो अगर सेकंड अलॉटमेंट लेटर में अगर नाम नहीं आया उनका तो वे बच्चों को पहले जो कॉलेज में एडमिशन हुआ था फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर में ही उसी में उसको जो है कि क्या करना पड़ेगा, एडमिशन लेना पड़ेगा। और अगर वो चाहते हैं कि हम उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेंगे तो अब वो जो है फिर से सेलेक्ट करने को उसको मौका मिलेगा थर्ड जो है कि अलॉट उस तब उसका जो है थर्ड अलॉटमेंट लेटर में नाम आएगा, ठीक है। अगर थर्ड अलॉटमेंट लेटर में भी नाम नहीं आएगा तो उसको जो है कि पहले जो कॉलेज में एडमिशन हुआ था उसी में उसको एडमिशन लेना पड़ेगा, ऐसा सिस्टम है अभी, ठीक है। तो फिलहाल मैं अभी बात कर लेता हूँ सेकंड अलॉटमेंट लेटर की। तो मैं मॉर्निंग से ही, अभी तो 5:42 हो रहा है आपका भी, तो 5:42 हो रहा है और अभी जो है कि 7 बजे से लेकर के आपको 10 बजे के बीच में अगर साइट ओपन नहीं होता है तो ये याद रखेंगे कि 10 बजे के बाद ही आपको जो है कि साइट इसका एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मॉर्निंग से ही मैं चेक करूँगा, जब भी इसका साइट एक्टिव हो जाएगा तो मैं आपको बताऊँगा कि भाई लिंक एक्टिव हो गया है, आप लोग जा कर के चेक करें, आप लोग जा कर के कैसे देखना है हर चीज़ मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल ये याद रखें कि अभी जो है कि लिंक एक्टिव नहीं हुआ है क्योंकि मैं मॉर्निंग से ही लगा हुआ हूं लेकिन अभी तक कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो अभी जो है लिंक एक्टिव नहीं हुआ है। ये जो है मे बी 10 बजे से जो है कि आपका लिंक एक्टिव हो जाएगा और जब ही होता है मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। तो आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स रखेंगे तैयार, और अगर आप लोगों का अच्छे कॉलेज आपको मिल जाते हैं चाहे प्राइवेट हो चाहे आपका सरकारी हो तो जल्दी से अपना एडमिशन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में किस किस का सिलेक्शन हुआ है, किस का नहीं हुआ है, कैसे पता चलेगा, तो भाई लिंक एक्टिव होने के बाद ही पता चलेगा और मैं सारा प्रोसेस मैं आपको समझाऊँगा। तो हमारे साथ बने रहेंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेंगे, पल पल की खबर मैं आपको बताते रहूँगा, बिल्कुल बेफिक्र होकर रहेंगे। इसीलिए आप लोग जो है कि अभी से तैयार रखेंगे और बार बार चेक करते रहेंगे, ठीक है, आपका जो है कि यूज़र आईडी और जो पासवर्ड डाल करके बार बार चेक करते रहेंगे और पता करते रहेंगे कि भाई साइट ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है, सेकंड अलॉटमेंट लेटर आया है या नहीं आया है, इस तरीके से आप लोग चेक करते रहेंगे। अगर आप लोगों को सेकेंड अलॉटमेंट लेटर आ जाता है तो हमें कॉमेंट करेंगे अगर दिख जाता है तो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।